राधे राधे भक्तों, ये है गौरी गोपाल आश्रम जहाँ पहले कथा हुआ करती थी, यानी हम कह सकते हैं गौरी गोपाल आश्रम की पुरानी बिल्डिंग है ये। देखिए अभी कथा का 6 बजे का समय है और कथा अभी पूर्ण हुई है और ये नई बिल्डिंग आपके सामने दिखाई जा रही है। और जैसे ही कथा समाप्त होती है और यहाँ पर जितने लोग कथा सुनने वाले हैं, जब वो मुख्य सड़क पर आते हैं तो आपको उस सड़क का हाल मैं दिखाने जा रहा हूँ कि उस सड़क का हाल क्या हो जाता है। चलिए देखिए, ये देखिए कितना ट्रैफिक यहाँ पर जाम हो रहा है। ये सड़क है परिक्रमा मार्ग बोला जाता है और यहाँ ये सड़क पर देखिए किस प्रकार भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अभी श्री अनिरुद्धाचार्य जी अपने इस पुरानी बिल्डिंग में आएंगे और यहाँ भक्तों से रूबरू होंगे। तो यहाँ की ये पुरानी बिल्डिंग है जहाँ माताएं बाहर खड़ी होकर वातावरण का आनंद ले रहे हैं और आज थोड़ा सा वातावरण खराब है, आंधी चल रही है। हाँ, तो ये नई बिल्डिंग बन रही है, वो बिल्डिंग आपके सामने है। इस बिल्डिंग में 1000 माताओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी। अभी ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ये सभी अनिरुद्धाचार्य जी को बिल्कुल पास से देखने के लिए इस पंडाल में आ रहे हैं। और ये है गौरी गोपाल रसोई की भोजन। देखिए ये रसोई की जो व्यवस्था है वो नई बिल्डिंग में कर दी गई है, वहाँ मशीनों के द्वारा और मानव के द्वारा यहाँ भोजन बनाया जाता है। और ये देखिए यहाँ ट्रॉली के माध्यम से लाया जाता है। और ये देखिए गौरी गोपाल रसोई के अंदर महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था है और पुरुषों के लिए अलग से लाइन बनाई गई है। बीच का रास्ता ये देखिए रोटियाँ जो रसोई के अंदर जा रही हैं भक्तों के लिए, बिल्कुल निःशुल्क, यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। अब देखिएगा ये भक्तों की लाइन, पहले महिलाओं फिर पुरुषों को एक एक करके अंदर डाला जाता है। ये देखिए ये सिक्योरिटी व्यवस्था भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। ये पुरानी बिल्डिंग के सामने जब कथा छूटती है तो ये सिक्योरिटी है, ये अहम भूमिका निभाती है। महाराज जी ने, हाँ, ये नई बिल्डिंग के लिए अभी निर्माण कार्य चल रहा है और ये सिक्योरिटी व्यवस्था देखिए, बिल्कुल जो कार्य पुलिस का है वो कार्य यहाँ की सिक्योरिटी व्यवस्था देख रही है। और अनिरुद्धाचार्य जी ने मेल और फीमेल दोनों प्रकार की सिक्योरिटी यहाँ पर रख रखी है ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये देखिए ये भैया जो सिक्योरिटी वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल राधे राधे बोलकर सबसे प्रेम से, और मैंने देखा इनके व्यवहार को बहुत अच्छा व्यवहार था। चलिए मिलते हैं कुछ भक्तों से और जानेंगे। राधे राधे। आपने गौरी गोपाल आश्रम की जो टीवी पर न्यूज देखी थी या टीवी पर जो प्रोग्राम देख रहे थे, आपने आकर वैसा फील किया है? हाँ, वैसा ही फील किया है। आपको किसी प्रकार का यहाँ शुल्क देना पड़ रहा है क्या? नहीं, कोई शुल्क नहीं है। आप यहाँ प्रसादी ले रहे हैं जी? क्या प्रसादी के समय कोई भेदभाव किया जाता है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, सब लाइन में लग के प्रसादी लेते हैं। आपसे कोई किसी भी प्रकार का शुल्क दिया जा रहा है? नहीं, कोई शुल्क दिया नहीं है, सब अपनी इच्छा से आप दे सकते हैं। जैसे कथा के दौरान आपने देखा होगा कि कई धर्मी लोग होते हैं वो आगे बैठते हैं, एक तो पीछे बैठा जाता है, इस प्रकार का भी कोई भेदभाव? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, मेरे साथ देखा जाए टीवी पर दिखाया जा रहा है तो ये बिल्कुल सत्य है, कोई भेदभाव नहीं। लखनऊ से आए हैं। कितने सालों से जुड़े हुए? राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए हो आप? राजस्थान से, जयपुर से। राधे। हाँ, तो आप ये गौरी गोपाल आश्रम में आए? हाँ। आपको किसी ने बताया या अपने आप आए? हमें 3 साल हो गए कथा सुनते, हम टीवी यूट्यूब पे कथा सुनते हैं इनकी। अच्छा, टीवी के माध्यम से? हाँ, हम यूट्यूब से, मोबाइल पे दिखाया जाता है। हाँ, वो क्या है? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल जो टीवी पे दिखाया जाता है वो बिल्कुल सत्य है, वैसे की वैसे। माताओं की सेवा देखी? हाँ, देखा है मैंने। जैसा गुरु जी टीवी पे दिखाते हैं क्या वैसे ही करते हैं? बिल्कुल वैसे की, उससे भी कई गुना ज्यादा है।
जैसे आप यहाँ आश्रम के अंदर आए या फिर आपने प्रसाद ग्रहण किया, आपसे किसी प्रकार का पैसा लिया गया? नहीं, कुछ नहीं लिया, बहुत अच्छा, इतना स्वादिष्ट। भी आपको ऐसा लगा होगा इसके अंदर कुछ कमी है या नहीं? कुछ ऐसा भोजन था, कुछ कमी नहीं है, जैसा घर में भोजन बनता है बिल्कुल वैसा भोजन बनता है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा टेस्टी है, भगवान का प्रसाद है। बात आपने यहाँ पर गौशाला का दर्शन किया? हाँ, गए थे अभी थोड़ा सा। जिस प्रकार से रखा जाता है, जिस प्रकार हम अपने घर में गौ माता को रखते हैं, क्या वैसे ही रखा जा रहा है? नहीं, उससे कई गुना ज्यादा पंखे कूलर सब लगा रहे। आपने कथा के दौरान देखा होगा कि कई संत होते हैं, जैसे वो वीआईपी टिप्स रखते हैं कि ये पैसे लेके आगे बिठाएंगे या पीछे बिठाएंगे, क्या इस प्रकार का सिस्टम या ऐसा? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, सब समान है, एक समान है, एक समान, कोई भेदभाव किया जा रहा? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। तो अगर आप राजस्थान से हैं, अगर हम गुरु जी को रेटिंग देना चाहें कि दूसरे संत भी हैं बहुत सारे जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसमें से अगर हम कहें कि आप अनिरुद्धाचार्य जी को कितने नंबर देना चाहेंगे 10 में से? हम 10 में से 10 ही देना चाहेंगे। हम राधे राधे भैया। राधे राधे। कहाँ से आए? ग्वालियर से आए। ग्वालियर से, ग्वालियर से। ये माता ग्वालियर से अनिरुद्धाचार्य जी के पास जुड़े हुए हैं। तो माता जी, जैसा आपने यहाँ माताओं की सेवा करते हुए देखा, क्या एक पुत्र जो होता है स्वयं का, उससे अधिक हो रही है, उससे कम हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है, पुत्र क्या करेंगे जो अनुज महाराज जी कर रहे हैं। अगर आपने यह देखा कि यह अनक्षेत्र करता है अनिरुद्धाचार्य जी, जब से पत्रों से मिलते हैं तो आपको कहीं ऐसा लगा कि ये पैसे वगैरह लेते हैं स्वयं मिलने के लिए? बिल्कुल नहीं, नहीं, ये बिल्कुल निश्चल निष्कपट है, बासल प्रेम है उनका सबके ऊपर, बासल बासल प्रेम है उनका, बिल्कुल निश्चल निष्कपट, सबसे बिल्कुल प्रेम भाव है, बहुत ही अच्छे हैं, मेरे धरती के भगवान। कथा के दौरान आपको आध्यात्मिकता के साथ साथ जो सांस्कृतिक महत्व बताते हैं कि अपनी संस्कृति क्या होना चाहिए, माताओं के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, बेटा बेटी को संतान को क्या सिखाना चाहिए, आपको उनमें से क्या अच्छा लगता है? देखो, माता पिता के प्रति भी बेटे का भाव अच्छा लगता है, सास के प्रति भी, बहू के प्रति भी, सब परिवार एकजुट होते रहे, सबका अच्छा लगता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। सनातन धर्म का तो प्रचार प्रसार गुरु जी कर रहे हैं जी, वो आपको सबसे अच्छा लग रहा है? सबसे अच्छा लग रहा है, बल्कि के वो कृष्ण जी है। कितने साल में, साल में कितनी बार आते हैं? तो ये थे कुछ भक्त जिनको हमने बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर कहते हैं, जमीन से जुड़े कर इनके पास पहुंचे थे और यहाँ से इनके पूरे एक्सपीरियंस लिए हैं। जो कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है वो बिल्कुल वैसे का वैसा और बिल्कुल सत्य है। फिर भी हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहेंगे और जितने भी लोग हम जुड़ने का प्रयास करेंगे उनसे और एक्सपीरियंस पूछेंगे भी, किसी न किसी के साथ तो दुर्व्यवहार हुआ होगा, अगर वो कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम आपके सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक राधे राधे।